जैसे मैंने आपको वादा करा था कि आज मैं जाऊंगा रामलीला देखने के लिए, वादा भी करा था यार कि तो मैं आप लोगों पे थोप रहा हूँ, पर बेसिकली मेरा भी बहुत ज़्यादा मन है कि मैं रामलीला देख के आऊँ जाके। और रामलीला भी चल रही है और साथ साथ इंडिया न्यूजीलैंड का मैच भी चल रहा है। मैच थोड़ा सा फंस गया, इंटेंस मैच है, 270 कुछ का स्कोर है। शम्मी रोता रहा पीटता रहा लास्ट मैच में भी, शम्मी को खिलाओ शम्मी को खिलाओ, लेके आए 10 ओवरों में 5 विकेटें और ज़बरदस्त विकेटें, देख के मज़ा आता है। पहली बॉल पे पहली विकेट ली, मज़ा आ गया, हमेशा टीम को वापस लेके आया बंदा, वरना 300 आराम से टच हो रहा था, पर चलो बढ़िया बॉलिंग कराई और ठीक है 270-75 पे रोक दिया। मेन रोहित शर्मा शुभमन गिल का बढ़िया स्टार्ट देना ज़रूरी है, केएल राहुल विराट कोहली डट के खेले, 220-230 तक भी खेलते हैं ना, बाकी सूर्य कुमार यादव है उससे उम्मीद देख कर सकते हैं हम। चलो ये बातें तो होती रहेगी, फिलहाल तो अभी चलेंगे हम रामलीला देख के आते हैं। घनी रात हो गई भाई, कल कैमरे में देखा मैंने, ये देखो कैमरे में कुछ और तरह से लगता है, लाइव कुछ और लगता है, कैमरे में ज़्यादा बढ़िया लगता है। लोग कहते हैं कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता, पर मेरा कैमरा तो ज़्यादा ही जस्टिस कर रहा है, इतनी अच्छी चीज़ लगती है नहीं आज, इसलिए कैमरे में बढ़िया लगती है। तो पहले तो चलते हैं जैकेट वैकेट डाल के रामलीला देख के आते हैं। रावण की आंखों में लाइटें जल रही है भाई, रावण खतरनाक ही बना दिया उन्होंने। ड्रैकुला पर ये छोटे स्टेज पे क्यों चढ़ रही है, बड़ा स्टेज तो हुआ है क्या पता, पर देखने में बढ़िया लग रही है। सीता जी गुंजारिश कर रही है कि पकड़ लो हिरन को, भागने की तुमने अच्छी कही, बेचारा हिरन वाला बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। आगे वैसे रावण आ गया सीता रन करने के लिए, लक्ष्मण जी अपनी रेख को मार के चले गए अब रावण। श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी हूँ और महाराज जनक की दुलारी हूँ, पिताजी की आज्ञा से मेरे स्वामी 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं और मेरे देवर लक्ष्मण जी वह भी हमारे साथ आए हैं, 13 वर्षों से इन्हीं वनों में भ्रमण कर रहे हैं और आप जैसे महात्मा का उपदेश श्रवण कर रहे हैं। रामलीला तो देखा है, सीतारण वाला सीन था, मजा आया। वहां से वापस आते हुए बचपन की तरह मैं दो चीजें खरीद के लाया हूँ, ये लाया हूँ अपने महिला मित्र के लिए, मैं उसके ओरिजिनल रूप में आने के लिए, तो आज के दौर में ये आ नहीं देना बाय डिफॉल्ट, तो ये लेके आया हूँ और उसी का वध करने के लिए, उसके नाभि में मार के अपनी महिला मित्र का वध करने के लिए तीर को मार लेके आया हूँ। पूरी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर दी मैंने आज, ये अब मात्र नहीं 20 रुपये का, 20 बहुत ज़्यादा 20 रुपये, और ये है 50 रुपये का, वर्किंग है वर्किंग, दोबारा एक बार चला के दिखाता हूँ, वर्किंग है ठीक है। ज़्यादा नहीं देखी रामलीला पर बढ़िया टाइम स्पेंड करके आए हैं आधा पौना घंटा। और ये देखो भाई जब भी बचपन में हम लाते थे ना, देखो शायद आ रहा कैमरे के अंदर ठीक है, बचपन में लाते थे ना तीर कुमार, पता नहीं जैसे हम टीवी में देखते थे, जैसे मारने से पहले ऐसे जरूर करना, मैंडेटरी है ऐसे करना, हमें मंत्र मंत्र कुछ नहीं आते, पर जैसे टीवी में देखते हैं ना हमारे प्रभु श्री राम की जो एक्टिंग कर रहे हैं वो ऐसे करते थे, तो हमारे भी ऐसा था भाई ऐसे करना मैंडेटरी है, फिर ऐसे करके फिर मारते थे। और ये जाता भी तेज है, ऐसे नहीं कि नहीं जाता, दूर जाएगा जाता मस्त है भाई, ऐसे उसको टांग के निकल जाएगा युद्ध पे। पर देखो आज के दौर में बंदूक के इतना होने के बाद भी बंदे डरते हैं युद्ध करने से, पर देखो श्री रामचंद्र जी और हमारे श्री लक्ष्मण जी अपनी मतलब वो अपनी भाभी को छुड़ाने, राम जी अपनी पत्नी को वापस लेके आने के लिए किसके सहारे निकले थे युद्ध करने को, दो ही बंदे निकल गए थे युद्ध करने, अपने तीर कमान लेके निकल गए थे, वो तो लोग आहिस्ता 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 जुड़ते रहे, पर निकले तो वो अकेले ही थे ना, क्यों, क्योंकि अगर तुम सच्चाई की राह पे निकल रहे हो ना तो बेझिझक निकल जाओ,
लोग अच्छा समझे बुरा समझे, अरे कोई फिक्र ही नहीं है, बस सोचा है तो निकल जाओ, विजय तुम्हारी ही होगी। पर ज़्यादा ज्ञान हो गया यार, तुम क्या करोगे ज्ञान का, तुमसे किताब भी तो पढ़ी नहीं जाती। तो चलो अब कर देते हैं इस ब्लॉग को यही एंड। अगर आपके ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर बटन मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।